भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन शुरुआती आधे घंटे में भी टीम इंडिया का दबदबा देखने को मिल रहा है। विराट कोहली और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने एक बार फिर यहां पर अपना डेरा डाल दिया है और यहां पर जबरदस्त तरीके से विराट कोहली और रविंद्र जडेजा अपनी पार्टनरशिप को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी हो गई। दरअसल उन्होंने भारतीय टीम को उस मुसीबत से निकाला है जिस मुसीबत से भारतीय टीम को काफ़ी मुश्किल से निकाला जा सकता था। आपको बता दें कि एक समय पुजारा और रोहित जब बैटिंग कर रहे थे तब लगा कि भारत बड़ा स्कोर को आसानी से छू लेगा, लेकिन एक ही ओवर में दोनों का विकेट यहाँ पर टीम इंडिया को गंवाना पड़ा। इसके बाद पारी को न सिर्फ संभालने की बात थी बल्कि संवारने की भी बात थी और विराट और जडेजा ने कुछ उसी अंदाज में आज बल्लेबाजी की है और जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की वो काफ़ी जानदार दिखा। उन्होंने पूरे तरीके से इंग्लिश टीम पर दबाव बनाकर रखा और भारत को जो एक अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत थी क्योंकि बैटिंग कंडीशंस काफ़ी अच्छी हैं, ऐसे में उस पार्टनरशिप का टीम इंडिया ने पूरे तरीके से फ़ायदा उठाया। बड़ी बात यह है कि जडेजा जहां फिलहाल 16 रन बनाकर नाबाद हैं वहीं विराट कोहली 32 रन बनाकर नाबाद हैं और क्या ज़बरदस्त कवर ड्राइव वो यहाँ पर खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने अभी तक बैटिंग की है और टीम इंडिया आज विराट कोहली के शतक की उम्मीद कर रही है। यहाँ पर टीम इंडिया को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो एक बड़ी लीड इंग्लिश टीम को देनी पड़ेगी जिससे आप अंग्रेज़ों पर पूरे तरीके से दबाव बना सकें और ज़बरदस्त अंदाज में आज विराट कोहली ने अभी तक बैटिंग की है, इसका फ़ायदा भी टीम इंडिया को मिलता जो है वो नज़र आ रहा है। भारत धीरे धीरे अपनी लीड को आगे बढ़ा रहा है, साथ ही टीम इंडिया अब अंग्रेज़ों पर अपनी पकड़ को और ज़्यादा मजबूत कर रही है। रविंद्र जडेजा ने अब तक 5 नंबर पर आने के बाद विराट का अच्छा साथ निभाया, एक अच्छी साझेदारी की है और पूरे तरीके से भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने का प्रयास किया है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इंग्लिश गेंदबाज भी यहाँ पर विकेट के लिए तरस रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर यहाँ पर इनका विकेट नहीं लिया तो ये एक लंबी पार्टनरशिप कर देंगे और भारतीय टीम कुछ उसी फिराक में अभी इस टेस्ट मैच में खेल रही है। आपको बता दें कि ओवल के इस मैदान पर चौथे दिन बल्लेबाजी करना आसान भी हो गया क्योंकि धूप खिली हुई है, दोनों बल्लेबाज सेट हैं, धीरे धीरे साझेदारी को और ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सब कुछ भारत के फेवर में जाता हुआ। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।